कोहाट, पहाड़ों का शहर, पहाड़ों का दिल। नाज़रीन, कोहाट की तारीख बहुत ही वसी है। पीपल ऑफ कोहाट की एक छोटी सी कोशिश हम आपको लेके जा रहे हैं कोहाट के सबसे बुलंद तरीन मकाम मिर्खीली बंगला। जी हाँ, मिर्खीली बंगला एक कदीम और कोहाट के सबसे बुलंद तरीन सियाहती मकाम है। नाज़रीन, मिर्खीली बंगला की तारीख बहुत ही पुरानी है और ये कोहाट के इलाके शाहपुर के पहाड़ों पर वाक़िया है। मिर्खीली बंगला की तारीख बहुत ही पुरानी है। इस कांग्रेस दौर में तामीर किया गया और फिर 1965 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसको रेस्ट हाउस का दर्जा दिया गया। मिर्खीली बंगला को ट्रांसपोर्ट का रास्ता भी है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो न होने पर यह बहुत ख़राब हो चुका है और लोग अक्सर पैदल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़राब हुआ है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पैदल जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बेहतरीन एडवेंचर है। दोस्तों, अगर आप पैदल सफ़र करना चाहते हैं तो यह आपका बेहतरीन एडवेंचर होगा और आप इसे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। कोहाट के सबसे बुलंद तरीन मकाम मिर्खीली बंगला एक बेहतरीन पॉइंट है और यहाँ से आप सारे कोहाट की व्यू कर सकते हैं। एक बेहतरीन पॉइंट है और यहाँ पे कोहाट के सारे इलाके आपको नज़र आएंगे। पैदल जाने का रास्ता एक बेहतरीन एडवेंचर है और अगर हुकूमत ने यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बनाया तो इसको बहुत ही पज़ीराई मिलेगी और लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बनाया और पार्क बनाया तो ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बुलंद तरीन वॉकिंग ट्रैक होगा और पार्क होगा और खूबसूरत एडवेंचर होगा और लोग इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे। एक बेहतरीन पार्क साबित होगा। हुकूमत के नुमाइंदों से दरख्वास्त है कि इस जगह को आबाद करें और कोहाट को खूबसूरत बनाएं। अगर हुकूमत यहाँ पे पार्क बनाए तो लोग कालाम और स्वात नहीं जाएंगे और यहाँ पे टूर को एंजॉय करेंगे और ये कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बेहतरीन पार्क होगा। दोस्तों, 2.5 घंटा सफ़र करके मैं और मेरे दोस्त मिर्खीली बंगला पहुँच गए। नाज़रीन, मिर्खी बंगला के टॉप से आप देख सकते हैं सुमारी लाची और कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के इलाके, कोहाट सीमेंट फैक्ट्री की व्यू और इसके अलावा कोहाट तानला डैम और साथ ही आप कोहाट के नज़दीकी इलाके हंगू के इलाका हंगू चावज़ारा आप इसे देख सकते हैं। नाज़रीन, मिर्खीली बंगला की लुक हुकूमती नुमाइंदों की तवज्जो ना होने पर यह बंगला बहुत ही ख़राब हो चुका है। हुकूमती नुमाइंदों से दरख्वास्त है बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए। कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा के एक बेहतरीन पार्क साबित हो सकता है। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कोहाट जंगल खेत चिनों की तरह यहाँ भी एक बेहतरीन चिना है। इसके पानी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ठंडा पानी है। आप आएँ और इस जगह से लुत्फ़अंदोज़ हों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मिर्खीली बंगला पसंद आया होगा और विज़िट कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे बेहतरीन चश्मा जात भी हैं जो आपके टूर को काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं। और बंडल ऑफ थैंक्स वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।